हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं हिंदी के एक पार्ट को। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने दो पार्ट में विशेषण को देखा था, और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विशेषण देखो बहुत ही बड़ा पॉइंट है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि और भी जितने हैं जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, इन सबसे उतने प्रश्न नहीं बनते हैं जितने कि विशेषण से बनते हैं। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस चैप्टर को आप बिल्कुल अच्छे से समझिए, और बिल्कुल इत्मीनान से मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में जहाँ पर आप फंसते हो वो है एडजेक्टिव वाला पॉइंट। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें दे रहा है कि विशेषण शब्दों की रचना आपको पढ़ना है। विशेषण शब्द की रचना करा है, कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, मतलब वो मूल रूप में ही विशेषण में ही होते हैं, उनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना की जाती है संज्ञा से, सर्वनाम से एवं क्रिया से। अब यहीं पे देखो आप गड़बड़ करते हो। होता क्या है ना दोस्तों, कि देखो जो मूल विशेषण होते हैं तो आपको पता है, जैसे मैं कहूँ कि राम गोरा है, तो राम की विशेषता क्या है, गोरा, तो आप जानते हो कि गोरा, काला, लंबा, मोटा, पतला, ठीक है, कोई भी रंग हो गया, तो ये सब विशेषण होते हैं, ये आपको पता है। विशेषण माने क्या, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वो विशेषण है, तो ये आपको पता है। क्यों, क्योंकि ये मूल रूप से ही विशेषण है, इसलिए आपको समझ में आ जा रहा है। लेकिन एग्ज़ाम में गड़बड़ी कहाँ पर होती है, एग्ज़ाम में गड़बड़ी होती भाई वहाँ पर जहाँ पर विशेषण शब्दों की रचना की जाती है, और आप तो सोच ही नहीं पाते हो कि विशेषण शब्द अलग से बनाए भी जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के माध्यम से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, और आज आपको वही मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे रचना होती है, ताकि एग्ज़ाम में कभी भी अगर विशेषण विशेष से छाँटने की बात आ जाए, अगर आप जान जाओगे कि ये चीज़ विशेषण होता है, इसकी ये क्वालिटीज़ होती हैं, विशेष की क्वालिटीज़ होती हैं, तो आप वहाँ पर गड़बड़ी नहीं करोगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे सामने दे रहा है कि संज्ञा से विशेषण अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाओगे संज्ञा से विशेषण। देखो, प्रत्यय लगाकर उपसर्ग प्रत्यय जानते हो ना, प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय देखो आखिरी में लगता है, उपसर्ग जो है पहले लगता है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगाया जाता है, ठीक है, और प्रत्यय बाद में लगाया जाता है। ये कह रहा है कि प्रत्यय लगाकर संज्ञा से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। आपने भी मान लिया, चलो ठीक है, बनाए जाते हैं, लेकिन सर आप हमें एग्जाम्पल दीजिए और बताइए, आप हमें एग्जाम्पल दीजिए और बताइए। तो अब देखो, चल रहे हैं हम लोग प्रत्यय से बनाने। मान लो ये जो क शब्द है, यह एक प्रत्यय है, ये क्या है, एक प्रत्यय है, और ये संज्ञा है, और उस संज्ञा को मैं विशेषण बदल रहा हूँ। अब देखो, जो अंश है, अंश क्या होता है, संज्ञा होता है, और इसका अगर विशेषण बनाओगे तो आंशिक हो जाएगा। इक प्रत्यय लगा रहा हूँ, इक प्रत्यय या क प्रत्यय, इक प्रत्यय भी बोलते हैं, क प्रत्यय बोलते हैं, कहीं कहीं इक लिखा होता है, कहीं कहीं क्या होता है, क लिखा होता है। तो इक या क प्रत्यय लगाकर क्या बनते हैं, अंश से आंशिक बन गया, धर्म से धार्मिक बन गया, अलंकार से अलंकारिक बन गया, अर्थ से आर्थिक बन गया, नीति से नैतिक बन गया, दिन से दैनिक बन गया, इतिहास से ऐतिहासिक बन गया। तो कभी भी याद रखो, जो इक वाला प्रत्यय होता है कहीं पे अगर ये शब्द मिल जाए तो ये क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये संज्ञा है, और मैंने आपको बताया था जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है, विशेष से होता है। तो इसको दोस्तों आप विशेष भी बोल सकते हो, इसको आप विशेष भी बोल सकते हो, और इधर वाले को विशेषण बोल सकते हो। इस पॉइंट को याद रखिएगा, गलती नहीं करोगे ना, बहुत आज बताऊंगा आपको। इसी तरह इत प्रत्यय लगाकर बना सकते हो, कैसे, जैसे अंक था तो अंक से बन गया अंकित, ठीक है, जैसे अंश था तो अंश से आंशिक बना था, तो सी क इक प्रत्यय लगा था वहाँ पर, और यहाँ पर ई त प्रत्यय लग रहा है, ठीक है, वहाँ पर ऊपर वाले में क्या था, इक प्रत्यय कह लो, चाहे शॉर्टकट में ई को हटा दिया था, कभी कभी क प्रत्यय भी बोला जाता है, तो गलत नहीं है, दोनों सही है। और यहाँ पर इत प्रत्यय लगा रहा हूँ, सुरभि से सुरभित, ध्वनि से ध्वनित, तरंग से तरंगित, क्षुधा से क्षुधित, याद रहेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, इत प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए गए संज्ञा से। तो ये आप इसको विशेष में भी समझ सकते हो, और संज्ञा समझ सकते हो, और इधर वाले को विशेषण, ठीक है। इसी तरह दोस्तों इल प्रत्यय लगा रहा हूँ, इल, जटा से जटिल, उर्मी से उर्मिल, पंख से पंकिल, लगता है ना, इल प्रत्यय लगाकर बन रहा है इल, ठीक है। इसी तरह इला भी एक लगता है, इला प्रत्यय भी लगता है दोस्तों, ये भी याद रखो। जैसे संज्ञा शब्द है चमक, और चमक से क्या बन गया, चमकीला, क्या बन गया, चमकीला। तो बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय बहुत सारे होते हैं, मैंने सब नहीं बताया हूँ, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा दिया हूँ, बाकी उपसर्ग और प्रत्यय जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ जितने प्रत्यय होंगे सबके बारे में आपको बताऊंगा, तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों इम प्रत्यय लगा के बनता है, जैसे स्वर्ण से बन गया स्वर्णिम,
रक्त से बन गया रक्तिम। देखो ये सब एक बार पढ़े रहोगे ना तो एग्जाम टाइम में ऑटोमेटिक आपको याद आएगा। इसी तरह ई प्रत्यय लगाते हैं, रोग का हो गया रोगी, भोग का हो गया भोगी। इसी तरह इन या इड प्रत्यय लगाते हैं, जैसे कुल से हो गया कुलीन और ग्राम से हो गया ग्रामीण, ग्रामीण नहीं ग्रामीण, ठीक है। तो इन या इड प्रत्यय लगा के बनता है। इसी तरह से ई प्रत्यय लगता है, आत्मा से आत्मीय, जाति से जातीय, ठीक है। आलू प्रत्यय लगाता है, श्रद्धा से श्रद्धालु बन गया, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु बन गया, है कि नहीं। इसी तरह वी प्रत्यय लगता है, मनस से क्या बन गया मनस्वी, तपस से क्या बनेगा तपस्वी, ठीक है। वी प्रत्यय है, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय, वी प्रत्यय। सुख का बन गया सुखमय, मय प्रत्यय लगे दुखमय, ठीक है। रूप से क्या हो गया रूपवान, गुणवान, ये वान प्रत्यय लग गया। वती प्रत्यय लगता है, गुणवती, पुत्रवती, ठीक है, पुत्रवती भव होता है ना। मान से श्रीमान, बुद्धिमान, ये क्या है मान प्रत्यय है। इसी तरह मति प्रत्यय होता है, बुद्धिमती, श्रीमती। रत प्रत्यय होता है, धर्मरत, कर्मरत, है कि नहीं। अधार्मिक, कार्मिक, रत प्रत्यय होता है, उस तरह वहाँ इक प्रत्यय हो जाता है। अस्थ लग के बनता है, समीपस्थ, देहस्थ। अब देखो ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, अरे मेरे भाई ये मैं संज्ञा से विशेषण बना रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ोगे कभी एग्जाम में पूछ देगा कर्मरत क्या है, धर्मरत क्या है, समीपस्थ क्या है, देहस्थ क्या है, कैसे रटोगे, कितना शब्द रटोगे। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि उपसर्ग प्रत्यय के माध्यम से हम विशेषण की पहचान कर सकते हैं। अगर आपको प्रत्यय पता है, अगर आपको प्रत्यय पता है, आपको पता होगा कि लास्ट में प्रत्यय लगता है और प्रत्यय लगाकर जितने भी शब्द बनाए जाते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, ये जो आप इसको मैं बता रहा हूँ ये फिक्स नहीं, ये तो एज अ एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। किसी भी संज्ञा शब्द में अगर प्रत्यय लगा दोगे तो शब्द क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। वो शब्द क्या बन जाएगा, विशेषण। चलो देखो इसी तरह निष्ठ प्रत्यय लगाया, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या थे, ये थे। इसी तरह से एक प्रत्यय लगता है दोस्तों, ई प्रत्यय, अभी याद आ गया ई प्रत्यय। ई से जैसे भारत था तो भारत संज्ञा थी, ठीक है, भारत से बना दिया भारतीय, क्या समझे, लग गया ना ई। वान अभी बनाए दयावान, वान प्रत्यय लगा दया से दयावान बन गया। ई प्रत्यय जैसे भोगी, भोग से भोगी बन गया, रोग से रोगी बन गया, धन से धनी बन गया, ई प्रत्यय ना। तो ये सब जो है पॉइंट याद रखो, ठीक है, नहीं याद करोगे हमारा क्या जाएगा, नुकसान तो आपका है, क्या समझ रहे हो। चलो इसी तरह आगे देखिए, इसी तरह सर्वनाम से भी विशेषण बनाया जाता है, खाली संज्ञा से ही नहीं, सर्वनाम से बनता है। ये अलग बात है कि संज्ञा से बड़ा ज़्यादा बनता है, सर्वनाम से बहुत कम बनता है। अब संज्ञा शब्द भी तो बहुत ज़्यादा हैं, सर्वनाम में कितने शब्द हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े ही शब्द हैं, तो थोड़ा ही बनता है। अब जैसे वह से क्या बन गया, वैसा बन गया, यह से क्या बन गया, ऐसा बन गया, ये सब क्या है, सर्वनाम से बनाए गए विशेषण शब्द हैं। इसी तरह क्रिया से भी बनता है विशेषण, कैसे, जैसे पत, पत क्या है, क्रिया, पत हो गया, पट हो गया, क्रिया, पत से बन गया पतित, पट से बन गया पठित। भागना क्या है, क्रिया है, तो भागना से बन गया भागने वाला। पूज क्या है, क्रिया है, तो पूज से बन गया पूजनीय, वंद से बन गया वंदनीय, पालने से बन गया पालने वाला, भागना से बन गया भागने वाला, है, ये सब क्या है, ये सब क्रिया से विशेषण बनाए जा रहे हैं। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर याद करो, बहुत ज़रूरी है, नहीं याद करोगे तो यहीं पे क्या होगा, गलती होगा और बहुत अपने आप में स्टैंडर्ड टॉपिक है। चलिए इसी के साथ मैं आज आपको कुछ और भी पढ़ाना चाह रहा कि विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं। आपको सुन के लगेगा सर कितना बड़ा चैप्टर है विशेषण, अब है तो है यार, पढ़ना तो पड़ेगा, है कि नहीं। आइए समझाता हूँ आपको विशेषण की अवस्थाएँ क्या है। अरे जैसा कि आपको पता है कि विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, ये हमको पता है। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष क्या हो सकते हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं। अरे हम कहते हैं राम कम गोरा है, राम कम मोटा है, राम ज़्यादा मोटा है, ये क्या है, यानी जो विशेषता बता रहे हो उसका जो गुण दोष है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। एकदम इत्मीनान से पूछो, रटना मत यार मेरे भाई, रटना मत, आपको रटना नहीं है, समझना है, आँख बंद करो, जो बोल रहा हूँ उसे सोचो कि मैं कुछ, देखो कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, आपको तो केवल बता रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ आप बुद्धिमान हैं, ये भी बोल सकता हूँ, आप थोड़ा सा कम बुद्धिमान हैं, आप थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान हैं, या आप ज्ञानी हैं, आप कम ज्ञानी हैं, आप ज़्यादा ज्ञानी हैं, है कि नहीं। आप ज़्यादा बोलते हो, आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, आप कम बोलते हो, आप बहुत कम बोलते हो, ये क्या है, ये ज़्यादा कम जो कर रहे हो यही अवस्था है, यही क्या है, यही विशेषण की अवस्था है,
चलो आगे देखो, गुण देशों के इस क्रम इस कम ज़्यादा होने वाले तुलनात्मक ढंग से जाना जा सकता है, अगर उसका कंपैरिजन करोगे तो जान सकते हो। अब देखो, तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं मानी गई हैं, एक मूलावस्था यानी जो मूल रूप होता है, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। देखो उत्तरावस्था उत्तमावस्था, समझ में आ रहा है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, यहाँ पे रा है यहाँ पे मा है, उत्तरा उत्तमा। अब देखो मूलावस्था क्या होता है, कह रहा इसमें विशेषण का तुलनात्मक रूप से कोई भी अध्ययन नहीं किया जाता है, मतलब ये अपने मूल रूप में है, यह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि सावित्री सुंदर लड़की है, ठीक है, सुरेश अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है, ये सब क्या है, सामान्य विशेषता है और सामान्य विशेषताओं के बारे में आप जानते हो। आज मैं आपको उत्तरावस्था और उत्तमावस्था की विशेषताएं बताऊंगा और दिखाऊंगा कि वहां से कैसे प्रश्न बनते हैं। अब देखो उत्तरावस्था क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। किसमें, उत्तरावस्था में। जैसे मैं रविंद्र चेतन की बात कर रहा हूँ, रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है। मैंने क्या किया, मैंने तुलना किया किसी दो लोगों के बीच में, रवि चेतन से क्या है, अधिक बुद्धिमान है, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, कंपैरिजन समझ में आ रहा है, कंपैरिजन। देखो ज़्यादा कम वाली बात नहीं बता रहा हूँ, अरे ये भी हो सकता था कि रविंद्र चेतन से कम बुद्धिमान है, सविता रमा की अपेक्षा कम सुंदर है, तो अधिक कम पे अपना दिमाग मत लगाओ। बात है कि जब दो लोगों के बीच में आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हो तब वहाँ पे क्या होता है, उत्तरावस्था होता है। विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, उत्तरावस्था होती है। अब अगर बात करें उत्तमावस्था की, याद रखो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया गया है, वहाँ पे क्या था, ऊपर वाले में खाली कंपेयर आप कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, तुलना करके उसके बाद देखो किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया गया है, तो वहाँ पर उत्तमावस्था होता है। जैसे सर बताइए क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, ठीक है, तो हमने और राज्यों की अपेक्षा ये बता रहा हूँ कि पंजाब में जो अन्न है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, वहाँ पर उत्पादन अन्य राज्यों की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। संदीप निकृष्टतम बालक है, सबसे कमजोर लड़का है, ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, जब सबसे लगा दिया तो मतलब ओवरऑल दो या दो से अधिक लोगों के बीच की बात कर लिया हमने, और ओवरऑल हमने क्या किया कि उसकी तुलना कर दिया। अब जैसे मैं अपने बारे में इसके बारे में बता रहा हूँ, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्टडी 91 यूट्यूब का सबसे अच्छा चैनल है, तो बाकी जितने भी चैनल हैं मैंने उन सबको एक तरफ रखा और दूसरे तरफ किसको रखा, केवल स्टडी 91 को, और ये बताया कि सबसे अच्छा चैनल है। आपको भी पता है अच्छा है कि नहीं अच्छा है, आपको पता है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, तो ये बात आप समझ पा रहे हो ना। तो ये कंपैरिजन होता है दोनों में, इसलिए उत्तरावस्था और उत्तमावस्था की कंडीशन को याद रखिएगा। अब एक चीज़ और आप याद रखो इसी के साथ, तुलनात्मक अवस्थाएं भी आपको देखने की, कैसे तुलना किया जाता है। तो तुलनात्मक अवस्था देखो गुणवाचक अनिश्चित तथा निश्चितवाचक विशेषणों की ही तुलना में किया जाता है। देखो हम लोग पढ़े थे कि जो विशेषण होता है कई तरह का विशेषण होता है, लेकिन उसमें से केवल गुणवाचक विशेषण, निश्चितवाचक विशेषण और अनिश्चितवाचक विशेषण, ये तीन ही विशेषण है जहाँ पर ये कंपैरिजन किया जाता है। कंपेयर कभी परिमाण वगैरह वाले में नहीं कर सकते, परिमाणवाचक विशेषण होता है ना, सार्वनामिक विशेषण होता है, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं होगा कंपैरिजन। कंपेयर खाली कहाँ होगा, या तो गुणवाचक में, या तो निश्चितवाचक में, या तो अनिश्चितवाचक में, यहीं पर केवल कंपैरिजन होगा, बाकी में नहीं होगा, याद रखना। आपको अवस्थाओं के रूप, तो याद रखो अधिक और सबसे अधिक शब्द का प्रयोग करके उत्तरावस्था या उत्तमावस्था का रूप बनाया जाता है। अब देखो यहाँ एक और चीज़ दे रहा है, जैसे एक शब्द मैंने लिया अच्छी, तो अच्छा मैंने बोला राम अच्छा है, रमा अच्छी है, ऐश्वर्या राय अच्छी है, ठीक है, ऐसे मैंने नाम लिया, तो ये उसकी अच्छी क्या थी, जो ये मूलावस्था था। अब ने कहा कि उत्तरावस्था में कि सविता अधिक अच्छी है, किसी से कंपेयर करने का, सविता रमा से अधिक अच्छी है या अधिक सुंदर है, ठीक है, और ये कह दूँ कि सविता सबसे सुंदर है, तो अधिक जो शब्द लगाए ये क्या हो गया, उत्तरावस्था, और जो सबसे लगाए वो क्या हो गया, उत्तमावस्था, समझ रहे हो। चतुर, अधिक चतुर कहोगे तो ये उत्तरावस्था, सबसे अधिक चतुर या सबसे चतुर,
सबसे बोल दोगे तो अधिक वर्ड का इस्तेमाल करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बोल दिए तो कहानी हो गई बराबर। उत्तमावस्था, बलवान, अधिक बलवान है और सबसे अधिक बलवान है या सबसे बलवान है कि नहीं। जब बोलते हम अधिक बलवान है तो मैं किसी दो तीन लोगों के बीच की बात करता हूँ कि हाँ दो लोगों के बीच की बात करता हूँ, मोहन सोहन से अधिक बलवान है। लेकिन कहूँ मोहन सबसे बलवान है, मतलब उस कैटेगरी में जितने लोग होते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा बलवान कौन है, मोहन है। समझ रहे हो बात को? तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। अगला आखिरी पॉइंट है, तत्सम शब्दों में मूलावस्था में विशेषण का मूल रूप, उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या नहीं समझे ना, देखो कुछ तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम तो जान ही रहोगे, तत्सम तद्भव, तो तत्सम शब्द जो होते हैं ये अपने मूलावस्था में होते हैं। जैसे उच्च, अब उच्च से उच्चतर लगा दिया और उच्चतम लगा दिया, समझे? तो उच्चतर जो होता है ये उत्तमावस्था होता है, लेकिन जो तम लगता है ये उत्तमावस्था होता है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा कुछ है ही नहीं, सबसे ऊंचा, ठीक है? तो क्या हो गया, इसीलिए उच्चतम बोलते हैं, ठीक है? और उच्चतर, ये समझ रहे बात में, कठोर का कठोरतर, कठोरतम, गुरुतर, गुरुतम, महत्तर, महत्तम, न्यूनतर, न्यूनतम, लघुत्तर, लघुत्तम, तीव्रतम, तीव्रतर, आप समझ रहे हो बात को? तो ये पॉइंट होता है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। और अब इसके बाद का जो पॉइंट आएगा दोस्तों, आपको मैं पर्याप्त बता चुका हूँ विशेषण के बारे में, जितनी बातें थी बता चुका, सिर्फ एक बात को छोड़ करके वो भी मैं बता देना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ और फिलहाल आप जान जाओ। कभी कभी दोस्तों एक और पॉइंट आपको देता, प्रविशेषण, एग्जाम में कभी कभी देखते हो शब्द का इस्तेमाल होता है प्रविशेषण। ये प्रविशेषण क्या होता है? देखो वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बता दें प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण तो खुद ही एक विशेषता बता दे रहा है, और जब विशेषता की विशेषता बताई जाए वो क्या है, प्रविशेषण है। जैसे मैं कहूँ कि विराट कोहली की बात कर रहा हूँ, विराट कोहली तेज दौड़ते हैं, ठीक है? या चलो मैं राम की बात कर रहा हूँ, राम तेज दौड़ता है, और मैं कह दूँ राम बहुत तेज दौड़ता है, तो ये बहुत जो शब्द है ये क्या है, प्रविशेषण है। यह उस विशेषता जो तेज है वो तो ऑलरेडी विशेषता बता रहा है कि राम तेज दौड़ता है। राम की विशेषता क्या है, तेज दौड़ना, ठीक है? तो तेज जो शब्द है तो ऑलरेडी विशेषण है, और ये विशेषण की भी विशेषण बता रहा है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज दौड़ता है। समझ में आ रहा है? तो बहुत यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। मैं कहूँ सीता सुंदर है, तो सुंदर क्या है, सीता की विशेषता है। मैं कहूँ सीता अत्यंत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत या अत्यंत ये क्या है, प्रविशेषण है। ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। तो एक पॉइंट ये भी याद रखो। अब जो अगला पॉइंट आएगा, अगला जो चैप्टर में लेके आऊँगा, विशेषण और विशेष्य, अब वहाँ पे मैं आपको समझा पाऊँगा कि ये विशेषण, आप खुद ही बता दोगे यार, फटाफट आप उत्तर बताओगे सर विशेषण है विशेष्य। अगर हमारी बात आपको ध्यान रहेगा तो जितना विशेषण बताया हूँ, ठीक है, सर्वनामी विशेषण क्या होता है, उसके अंदर मौलिक क्या होता है, यौगिक क्या होता है, गुणवाचक क्या होता है, संख्यावाचक क्या होता है, संख्यावाचक में निश्चित अनिश्चित क्या होता है, परिमाणवाचक क्या होता है, परिमाण में निश्चित अनिश्चित क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, और जो प्रत्यय लगाकर हम लोगों ने बनाया, और इसके अलावा जो अवस्था पढ़ा, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था, अगर ये सारे पॉइंट आप याद रखोगे तभी जाके आप विशेषण और विशेष्य में फर्क समझ पाओगे, अदरवाइज कभी कोई जिंदगी में कोई टीचर आपको नहीं समझा सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला वीडियो हमारा किस पे आएगा, विशेषण और विशेष्य का वीडियो आएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे आपका कन्फ्यूजन एकदम फटाफट क्लियर हो जाएगा। वाह सर, गजब तरीके से आपने याद करा दिया। तो ये कवर करते ही फिर हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, क्रिया पे पहुँच जाएंगे, और हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के बारे में डिटेल से। क्रिया पढ़ने के बाद तब जाके हम लोग अव्यय पढ़ेंगे, और अव्यय जब समाप्त होगा तो अगला हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि प्लीज़ आप लोग देखो ऐड को स्किप मत किया करो, मैं बार बार कह रहा हूँ। हालांकि अब हमारे पास गूगल ने एक और नया ऑप्शन दे दिया है कि आप जो है चैनल को स्पॉन्सर या ज्वाइन करने के लिए एक ऑप्शन रख सकते हो, जैसा कि और चैनल वालों ने रखा है। तो अभी मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, और मैं ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ज्वाइन ऑप्शन दे रहा है यूट्यूब, अगर इससे यूट्यूबर को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बारे में कि ज्वाइन ऑप्शन में होता क्या है। जैसे मैं कई जगह देखा, इसको बोलते हैं हिंदी में पेड मेंबरशिप, मतलब कि मैं पैसा लूंगा आप सबसे, तो नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो पहले मैं इस ऑप्शन को पढ़ रहा हूं कि यूट्यूब ने ये फंक्शन हमें क्यों दिया है। अगर लगेगा मुझे कि नहीं ये फंक्शन मुझे लगाना चाहिए तो मैं आपको लोगों को लगाऊंगा, लेकिन अगर बात पैसे की आएगी तो फिर मैं वहां से बैकफुट हो जाऊंगा, यार पैसे नहीं लेना है, क्योंकि अपना क्या है ना, अपना एक एम है,
अपना जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो मेरा उद्देश्य यही है कि मुझे बच्चों से किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लेना है, ताकि वो क्या कर सकें, एकदम स्वेच्छा से ऐच्छिक रूप से अपनी पढ़ाई कर सकें। उनके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हमको सर को पेमेंट करना, यार नहीं चाहिए पेमेंट हमें, ठीक है, जिस दिन हमें पैसे की ज़रूरत होगी ना उस दिन सीना ठोक के कहते हैं मांग लेंगे आपसे और मिल जाएगा यूट्यूब से मुझे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे चहेते लोग हैं, बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता है, तो कभी भी अगर मेरी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आएगी तो मुझे पता है कि आप सभी लोग खड़े हो हमारे लिए, तो क्या करेंगे पैसा रख के। अरे पैसा चाहे आपके पास रहे, पैसा चाहे मेरे पास रहे, क्या फ़र्क पड़ता है यार, ठीक है। तो पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे, और बेसिकली आप एकदम आराम से उत्मीनान से पढ़ सको, ताकि हर बच्चा ये कह सके कि नहीं, स्टडी 91 एक ऐसा चैनल है जहाँ मेरे पास कुछ नहीं था, एक भी पैसे नहीं थे, और सर ने बिलीव करके पढ़ाया हमें। हाँ, कुछ दिन बाद मैं एक चीज़ ज़रूर लॉन्च करूँगा कि अपना एक डोनेशन कैंप बनाऊँगा, ताकि वहाँ पर आप लोग स्वेच्छा से जो चाहो वो डोनेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो अपने यहाँ यह सुविधा रखती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, किसी से ज़बरदस्ती पैसे का डिमांड नहीं किया जाता है, ना ही कहा जाता है। तो आपकी इच्छा हो डोनेट करो, नहीं इच्छा है मत डोनेट करो। अच्छा, डोनेशन से क्या होता है, डोनेशन से जो पैसे आते हैं उसको सही जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है, उससे कंपनी क्या करती है, आगे प्रोग्राम लॉन्च करती है, नए नए चीज़ें तैयार करती है, नए नए मटेरियल तैयार करती है, और वो सब चीज़ें लोगों तक ला के देती हैं। तो वो काम मैं करूँगा, लेकिन हाँ, लेकिन एक चीज़ ये कि उस अगर किसी बच्चे को लग रहा है नहीं मैं किसी से ज़बरदस्ती ऐसा कर रहा हूँ, या पैसा लेके दूसरे को बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा, आपको कम पढ़ाऊँगा, तो ये सब जो है असमानता मैं नहीं फैलाना चाहता। मेरा उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग के बच्चों को, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो शहर से बिलोंग करते हों, चाहे वो गांव से बिलोंग करते हो, ये मैटर नहीं करता, सभी को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, एक ही टॉपिक आप सब पढ़ रहे हो, ठीक है। जो अमीर लड़का है वो भी पढ़ रहा है, जो गरीब लड़का वो भी पढ़ रहा है, जो जनरल वो भी पढ़ रहा है, जो OBC है वो भी पढ़ रहा है, जो SC वो भी पढ़ रहा है, जो ST वो भी पढ़ रहा है। मैं किसी को अलग से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, किसी को अलग से कुछ नहीं बताता हूँ। तो जो चीज़ें हैं एक समान आपको शिक्षा दिया जा रहा है, आपको डिसाइड करना है कि शिक्षा में से कितना कुछ हम जानकारी हासिल कर लें, कितना कुछ अचीव कर लें कि हमें हमारा गोल मिल जाए। आपका गोल क्या है, आपको सफल व्यक्ति बनना है, आपको अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है, आपको अपने माँ बाप को दिखाना है कि आपने जो हमारे ऊपर खर्च किए हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, इसको पढ़ने लिखने के बाद हम समाज में एक अच्छे व्यक्ति का कर्तव्य निभा सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, समाज में अच्छा नाम कर सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा मेरी बात, हमेशा ज़िंदगी में ईमानदारी से काम करिएगा, बेईमानी से नहीं, ठीक है। अगर हमारे स्टूडेंट हो दोस्तों, तो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आज आपको मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। कल को लोग बोलते हैं ना कि हम घूस दे के आए हैं, हम जो है पैसा खर्चा करके पढ़ के आए हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लोगों से घूस ले रहे हैं। तो आज मैं ये चैनल चला करके आपको ये दर्शाना चाहता हूँ कि आप फ्री में पढ़ के आए हो, और आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी फ्री में करोगे, यानी किसी से पैसे नहीं लोगे, ठीक है। अपने कर्तव्य का निर्वहन फ्री में करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, आपको आपके काम का पैसा कौन दे रहा है, सरकार तो देगी ही ना, आप जहाँ ज्वाइन करोगे वहाँ तो आपको सैलरी तो मिलेगा ना, तो आप अपने काम का पैसा चलाइएगा। आपको कभी भी अगर ऐसा लगेगा कि सर हमको बहुत पैसा कमाने की इच्छा हो रही है, ठीक है, तो मैं आपको तरीका बता दूंगा कि ठीक है आप करोड़पति लखपति कैसे बन सकते हो, चुटकी में बन सकते हो, ठीक है, वो मैं तरीका आपको बता दूंगा, लेकिन कभी बेईमानी से पैसा मत कमाना। पैसा ही कमाना है तो यार जरूरी नहीं ना किसी से हम घूस लें, घूस लेना एक रास्ता है, पैसा कमाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप किसी से घूस लो तब पैसा कमाओ, तभी आप बिल्डिंग बना सकते हो। अरे यार पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के 10 रास्ते और हैं। वो हमसे पूछ लेना कि सर मेरी इच्छा हो रही है कि मैं पैसा कमाऊं, लेकिन बिना घूस के, मैं बताऊंगा तरीका आपको बिना घूस के पैसा कैसे कमाते हैं, सब पता है मुझे, लेकिन पहले आप जो आपका एम है वो आप पूरा कर लो, इसके बाद ये सारी बातें होती रहेंगी। और हमारा आपका संबंध कहाँ ख़त्म हो जा रहा है यार, अभी जब तक जान में जान रहेगा तब तक आपका हमारा प्यार बना रहेगा, हमारा रिश्ता बना रहेगा, ठीक है। तो चलिए फटाक से चैनल को शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुँच जाए, और बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।